Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. किल का पोस्टर हुआ रिलीज. पिछले साल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में काफी अप्रिसिएशन मिलने वाली किल अब फाइनली रिलीज होने वाली है थिएटर्स में. इस एक्शन ड्रामा के प्रोड्यूसर्स है करण जौहर और गुनीत मोंगा, जिन्होंने अलग अलग अवसरों पर मूवी की तारीफ की है. फिल्म के लीड एक्टर्स हैं राघव जुयाल एंड लक्ष्य. सूत्रों के अनुसार राघव ने इस फिल्म में एक नेगेटिव लीड का किरदार निभाया है एंड सभी एक्साइटेड हैं उन्हें इस नेवर सीन बिफोर अंदाज में देखने के लिए. आज लक्ष्य की पोस्टर पोस्ट करते हुए मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म जुलाई 5 को थिएटर्स में रिलीज होगी. ऐसे में अब देखना होगा कि मेकर्स नेक्स्ट क्या रिलीज करते हैं. इस बॉलीवुड कपल ने अनाउंस की अपनी प्रेगनेंसी. अली फजल और ऋचा चड्डा ने आज दी अपने ऑडियंस को एक खुशखबरी. अपने सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा इस प्यारे से कपल ने आज की अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट. फोटो में उन्होंने लिखा 1+1=3 और दूसरे पिक्चर में उन दोनों की एक प्यारी सी फोटो पोस्ट की गई. इसको डिस्क्राइब करते हुए कैप्शन में लिखा गया, अ टाइनी हार्ट बीट इज द लाउडेस्ट साउंड इन आवर वर्ल्ड. ये सुन के इनके फैंस काफी खुश हो गए और ये बात आज इंटरनेट पर वायरल हो गई. टीम बड़े मियां छोटे मियां ने रिलीज की बिहाइंड द सीन्स वीडियो. जॉर्डन में शूटिंग बिहाइंड द सीन्स के साथ ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करने के बाद आज टीम बड़े मियां छोटे मियां ने रिलीज की एक और बिहाइंड द सीन्स वीडियो. वीडियो में डायरेक्टर अली अब्बास जफर बताते हैं कि कैसे उन्होंने बॉलीवुड के दो सबसे बड़े एक्शन हीरोज को साथ लाया इस फिल्म की एक्शन को एलिवेट करने के लिए. टाइगर कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू एक्शन. और अक्षय भी बताते हैं कि कैसे इस फिल्म में कुछ नेवर सीन बिफोर एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं. प्रोड्यूसर जैकी बगनानी ने भी बताया कि कैसे मेकर्स VFX का इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि एक्शन सीक्वेंसेस ऑथेंटिक लगे. ऐसे में अब देखना होगा कि टीम नेक्स्ट क्या रिलीज करती है. क्या मुनावर की जिंदगी में आई एक नई लड़की. बिग बॉस 17 की सबसे चर्चित मुद्दों में से एक थी मुनावर फारूकी की लव लाइफ. शो के दौरान मुनावर के लव लाइफ के बारे में काफी खुलासे हुए और अब शो खत्म होने के बाद भी मुनावर फिर से एक बार न्यूज में आ गए हैं अपने लव लाइफ के चलते. कल मुनावर ने अपने सोशल मीडिया पेज पे बताया कि उन्होंने एक नया स्पैम अकाउंट क्रिएट किया है. बहुत सारी चीजें मैं यहाँ नहीं डाल सकता तो स्पैम अकाउंट पे डालूंगा, सो जाके फॉलो करो, कहा मुनावर ने. और आज उस पर उन्होंने अपना डाइट प्लान शेयर किया और एक मिस्ट्री वुमन के साथ पिक्चर पोस्ट की. पिक्चर में एक लड़की पिंक सलवार सूट में मुनावर का हाथ पकड़े हुए है लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा और इस पर वेहानिया गाना लगाया मुनावर ने. ऐसे में अब सभी क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या ये मुनावर की नई गर्लफ्रेंड है या फिर उनके नए गाने का पोस्टर. क्रैक का ट्रेलर हुआ रिलीज. विद्युत जामवाल की मच एंटिसिपेटेड एक्शन फिल्म क्रैक का ट्रेलर हुआ आज रिलीज. ट्रेलर तो एक्शन सीक्वेंसेस से पैक्ड है. विद्युत येट अगेन अपने एक्शन और स्टंट से लोगों को हैरान करने वाले हैं. तो वही ट्रेलर में सबका अटेंशन ग्रैब किया विलन का रोल निभाने वाले अर्जुन रामपाल ने. उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है लोगों को. फिल्म तो फुली पावर पैक्ड होने वाली है एक्शन के साथ. ऐसे में अब देखना होगा कि ये 23 फरवरी को थिएटर्स में कैसे परफॉर्म करती है. लाल सलाम पर धनुष का रिएक्शन. रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की डायरेक्ट की हुई फिल्म लाल सलाम आज रिलीज हो गई है थिएटर्स में. इस फिल्म में रजनी सर भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं और आज इस फिल्म पर रिएक्ट किया ऐश्वर्या के एक्स हस्बैंड धनुष ने. तो चलिए जानते हैं धनुष ने क्या कहा. फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट करते हुए धनुष ने आज अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, लाल सलाम फ्रॉम टुडे. वैलेंटाइंस वीक पर श्रद्धा कपूर का फनी रिएक्शन. वैलेंटाइंस वीक में सिंगल लोगों की भावना को एक फन तरीके से व्यक्त किया आज श्रद्धा कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर और ये वायरल हो रही है. श्रद्धा ने आज अपने डॉग के साथ एक प्यारी सी वीडियो पोस्ट की जिसमें उनका डॉग उन्हें किस कर रहा है. वीडियो तो सबको काफी क्यूट लगा लेकिन सबका अटेंशन ग्रैब किया पोस्ट की कैप्शन ने जिसमें श्रद्धा ने लिखा, आज कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं निब्बा निब्बी. आज राम मंदिर विजिट किया इस लेजेंडरी एक्टर ने.
पिछले महीने अपने बेटे अभिषेक के साथ राम मंदिर की इनॉग्रेशन को अटेंड करने के बाद अमिताभ बच्चन सर आज फिर लौटे अयोध्या राम जी के दर्शन करने। अमित जी आज सुबह इस स्पिरिचुअल स्थान पर पहुंचे दर्शन के लिए, जहां से उनके पिक्स और वीडियोस वायरल हो रही है। लगता है अमित जी को इस प्लेस से कनेक्शन महसूस हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि अयोध्या से लौटने के बाद अमित जी इस एक्सपीरियंस पर क्या शेयर करते हैं। क्या पुष्पा 2 में नहीं होने वाली कोई आइटम सॉन्ग? अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा में सामंता की आइटम सॉन्ग उवांटावा मामा पिक्चर के रिलीज के बाद काफी वायरल हुई थी। सॉन्ग ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। ऐसे में चलिए जानते हैं पुष्पा 2 के म्यूजिक एल्बम की कुछ डिटेल्स। रिपोर्टेडली म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद ने एक आइटम सॉन्ग प्रेजेंट किया है, लेकिन डायरेक्टर सुकुमार को वो पसंद नहीं आया। फिलहाल वो फिल्म की शूट रैप करने की जल्दी में है, ताकि फिल्म अगस्त में रिलीज हो। ऐसे में अब देखना होगा कि पुष्पा 2 की सॉन्ग्स क्या ऑडियंस में वो क्रेज ला पाती है या नहीं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में इस एक्ट्रेस ने दिया कैमियो। शाहिद और कृति स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक अनकन्वेंशनल स्टोरी है, और इस फिल्म की स्टोरी की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया इस एक्ट्रेस की कैमियो ने। शाहिद एंड कृति की इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिया है जानवी कपूर ने, जो देख के सभी शॉक हो गए। जानवी की ये अपीयरेंस एक वेल केप्ट सीक्रेट थी आज तक, एंड रिपोर्टेडली फिल्म देखने वाले ऑडियंस को भी इनका सीन काफी अच्छा लग रहा है। ये एक फनी सीन है जिसने सबका दिल जीत लिया। अब जानवी का रोल क्या है, क्या वो फिल्म में रोबो है या इंसान, एंड वो स्टोरी में क्या चेंज लाती है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में जानवी के रोल का खुलासा तो हो गया, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म के लीड एक्टर्स शाहिद, कृति एंड खुद जानवी इस कैमियो पर क्या रिएक्शन देते हैं। ऐसे में अब देखना होगा इस सरप्राइज एलिमेंट और पॉजिटिव रिव्यूज के चलते फिल्म थिएटर्स में कैसे परफॉर्म करती है। वायरल स्पाइवर्स कब रिलीज करेगी टाइगर वर्सेस पठान? पिछले साल पठान के रिलीज के बाद YRF ने अनाउंस किया था कि वो टाइगर वर्सेस पठान बनाएंगे। इस स्पेक्टिकल में सलमान और शाहरुख को एक दूसरे के ऑपोजिट देखने के लिए सभी बेताब हैं। एंड रिपोर्टेडली प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा एक और फिल्म बनाने वाले हैं YRF स्पाइवर्स में। रिपोर्टेडली ये फिल्म टाइगर वर्सेस पठान के बेस स्टोरी लाइन को लीड करेगी, जिससे स्पाइवर्स की फाइनल शोडाउन टाइगर वर्सेस पठान एक बड़ी स्केल पर बनाई जाएगी, एंड स्टोरी का सेंस बनेगा ऑडियंस के लिए। टाइगर 3 और पठान में हमने इन दोनों कैरेक्टर्स को एक दूसरे की मदद करते हुए ही देखा है। ऐसे में अब शायद मेकर्स एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करेंगे जिससे इनकी राइवलरी का सेंस बने। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें ये भी है कि क्या ऋतिक का कैरेक्टर कबीर इसमें कोई रोल प्ले करने वाला है या नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस फिल्म का नाम क्या होता है, एंड इस फिल्म में YRF के स्पाइवर्स के कौन से कैरेक्टर्स नजर आएंगे, एंड मेकर्स इस फिल्म की अनाउंसमेंट कब करते हैं। सालार पार्ट 1 सीज द फायर की हिंदी रिलीज डिटेल्स। सालार पार्ट 1 नेटफ्लिक्स में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में तो रिलीज हो गया, लेकिन हिंदी ऑडियंस काफी डिसअपॉइंटेड थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फिल्म की हिंदी OTT रिलीज का। तो चलिए बताते हैं आपको कि सलार पार्ट 1 हिंदी में कब और कहां रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने आज अनाउंस किया कि सलार पार्ट 1 सीज द फायर हिंदी रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 16 फरवरी को। कागज 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। सतीश कौशिक सर की लास्ट फिल्म कागज 2 का ट्रेलर हुआ आज रिलीज। फिल्म के एक्टर्स अनुपम खेर, नीना गुप्ता और पूरी टीम ने इसे रिलीज किया एज अ ट्रिब्यूट टू सतीश सर। ट्रेलर तो काफी अच्छा है, एंड फिल्म एक पावरफुल मैसेज पर बेस्ड है। फिल्म में सतीश कौशिक सर की बेटी की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में, क्योंकि उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता एक पॉलिटिकल रैली के चलते। इसके बाद वो और उनके लॉयर अनुपम खेर इसके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। सबकी परफॉर्मेंसेस ही लाजवाब लग रही है, और फिल्म की मैसेज भी काफी पावरफुल है। ऐसे में अब देखना होगा कि ऑडियंस इस फिल्म को कैसे रिसीव करती है। फाइटर लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। वीक 2 में करीब 41 करोड़ कमाने के बाद आज थर्ड फ्राइडे पर फाइटर ने कलेक्ट किए सिर्फ 0.66 करोड़।
शाहिद और कृति की फिल्म की रिलीज के चलते अब फाइटर काफी स्क्रीन से हट चुकी है। ऐसे में अब नहीं लगता कि फिल्म की कलेक्शंस पर कुछ ज्यादा बदलाव दिखेगा। इस हफ्ते फिल्म ने इंडिया में की 188.16 करोड़ की टोटल कलेक्शंस और वर्ल्ड वाइड की 315 करोड़ की कलेक्शंस। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फर्स्ट डे कलेक्शंस। शाहिद और कृति स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को मिला है एक स्लो बट स्टेडी स्टार्ट। फिल्म ने आज फर्स्ट डे पर अभी तक 6 करोड़ की डिसेंट कलेक्शंस की है और फिल्म को मिलते पॉजिटिव रिव्यूज के चलते हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वीकेंड पर ये नंबर सरपास होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी अनोखी कहानी बड़े पर्दे पर फैमिली एंटरटेनर्स और लव स्टोरीज को सुपीरियरिटी दिला पाती है या नहीं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।